नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आइए हम अब एक नए चैप्टर की ओर शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है संभावना। संभावना यानी प्रायिकता। इसकी पिछली कक्षा यानी कक्षा 9 में आप पढ़ चुके हैं कि संभावना का मतलब क्या होता है। तो जैसे कि एक उदाहरण आपको समझाओ कि आज बारिश होगी या नहीं होगी, तो जहाँ संदेह का शब्द उपयोग किया जाता है। फिर आज भारत और पाकिस्तान के मैच में क्या भारत टॉस जीतेगा या नहीं जीतेगा, तो जहाँ पे 50-50 यानी 50-50 के चांसेस जहाँ होते हैं, ठीक है, जहाँ संदेह शब्द होता है जिसमें कोई निश्चित नहीं होता, तो वहाँ पर क्या होते है, प्रायिकता का उद्भव होता है यानी संभावना का उद्भव होता है। तो यहाँ हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर 15 जिसका नाम है प्रायिकता यानी संभावना। अब इसमें सीधे हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलेंगे, क्योंकि इसके पहले जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 है ये MCQ और एक एक नंबर से संबंधित है। इसलिए इन क्वेश्चनों की जो आंसर है या फिर ये जो क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो के अंत, मतलब जब ये चैप्टर हमारा पूरा होगा, ठीक है, तब उसकी हम बात यहाँ पर करेंगे। फिलहाल आज हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में P(E)=0.05 है तो ई नहीं की प्रायिकता क्या है। तो सबसे पहले आपको बता दूंगा इसका अपना सूत्र होता है, वो सूत्र क्या है वो समझेंगे अच्छी तरह से। पहले आप दो तरह से लिख सकते हैं, P(E)+P(E)^(1) कितना होता है, एक। कितना होता है, एक। मतलब अगर आपको ई बोला तो ई उपयोग करो, ए बोला है तो ए उपयोग करो, बी बोला है तो बी उपयोग करो, कोई भी आपको घटना बोली वो उपयोग आप कर सकते हैं। और दूसरा है, ठीक है, दूसरा जो सूत्र की मैं बात करने जा रहा हूँ इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं पी, ठीक है, यहाँ पर ई प्लस पी ई नहीं बराबर कितना होता है, एक। मतलब यहाँ पर ई बार का मतलब क्या है, ई नहीं है, इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ पर आप दोनों सूत्र का क्या कर सकते हैं, उपयोग यहाँ पर कर सकते हैं। फिलहाल हमें इस सवाल के अंदर ई नहीं की बात की है तो हम इसका उपयोग यहाँ पर करते हैं। तो दोस्तों कैसे लिखेंगे आप यहाँ पे, इसलिए सूत्र आप लिखेंगे पूरा PE+PE=1। पी ई की कीमत क्या हमारे पास है, तो 0.05, ठीक है। पी कोष्टक में ई नहीं बराबर कितना हुआ, एक हुआ, इसकी कीमत हमको पता नहीं है। मुझे ये ज्ञात करना है तो ये प्लस का इधर क्या होगा आपका, माइनस में होगा, तो मैं यहाँ पर सामने लिख दूँगा उसको। इसलिए पी कोष्टक में ई नहीं बराबर 1-0.05। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक में से -0.05 घटा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 0.05 दिया हुआ है, यहाँ पर 0.05 नहीं है, तो मैं कितना ले रहा हूँ, 0 और 0। तो 0 में से 5 जाएगा नहीं, ठीक है, तो बाजू सुधार लूँगा। तो कैसे करूँगा, यहाँ पर 10, ये 9 और यहाँ पर 0, मतलब यहाँ पर संख्या दी तो एक कम हो जाएगा। तो 10 में से 5 गया, 5 बचा, 9 में से 0 गया, 9 बचा और 0 का 0, यानी कितना आंसर आ गया यहाँ पर। तो आप लिखेंगे उत्तर यहाँ पर 0.95, इसलिए पी ई नहीं। तो यहाँ पर देखो उत्तर क्या हमारे पास आ गया, तो पी कोष्टक में ई नहीं का जो उत्तर है हमारे पास, उत्तर आएगा 0.95। तो इस टाइप के और बहुत सारे सवाल है। अगर यहाँ पर मान लीजिए पी बराबर 0.07 दिया है, ठीक है, तो भी ठीक इसी प्रकार से आपको हल करना है। अगर 0.02 दिया है तो ठीक उसी प्रकार से आपको हल करना है। अगर यहाँ पर आपको समझिए 0.02 दिया है तो भी आपको एक में से ही माइनस करना है। ध्यान रखना है, याद रखे संभावना में या प्रायिकता में जो भी उत्तर आए वह हमेशा 0 से ज़्यादा तथा 1 से कम होगा। कितना होगा, 1 से कम भी होगा, या फिर लास्ट में लास्ट आंसर 1 भी आपका हो सकता है, लेकिन 1 से अधिक कभी होगा नहीं और 0 से कम होगा नहीं, मतलब ऋणात्मक कभी भी यहाँ पर संभावना का उत्तर आएगा नहीं। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर ये हम सवाल हल करते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।